मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, एनालॉग और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। द सिग्नल इज अ रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और एनालॉग। इट कैन कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल वेव्स दैट आर ऑफ वेरिंग एम्पलीट्यूड्स। टेलीफोन नेटवर्क यूज दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, रिक्वायर मॉडेम फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर बेसबैंड मीडियम। ओके, नाउ द डिजिटल और बेसबैंड ट्रांसमिशन। नो स्पेशल डिवाइस फॉर कन्वर्जन ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड ओवर बेसबैंड मीडियम। द सिग्नल इज अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स विच इज ट्रांसमिटेड इन रैपिड सक्सेशन। ओके, तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिजिटल सिग्नल और जो एनालॉग सिग्नल है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक फिगर है यहाँ पर हमारे सामने। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिजिटल सिग्नल होता है हमारा उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली दोनों जगह ही हमारा जो इलेक्ट्रिकल पल्स है यानी इलेक्ट्रिकल करंट है दोनों जगह ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो यूज़ करने का तरीका है वो अलग है और इसमें जो यूज़ करने का तरीका है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे जैसे वोल्ट है आपका 0 to 5 volt, तो जैसे कि हमने मान लिया कि हमने अज्यूम कर लिया कि अगर 0 volt सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब 0 यानी कि जो बाइनरी बिट 0 है आपकी। ठीक है, और अगर सर्किट में 5 volt फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब होगा 1। ठीक है, तो 0101 के जो पैटर्न बनेंगे वो कुछ इस तरीके से ही बनेंगे। ठीक है, तो सर्किट में ये बहुत तेज़ी से होता है, बहुत स्पीड से होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसमें क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या करेंगी, 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 5 टॉप तक जाएंगी, फिर रिड्यूस होंगी, फिर नेगेटिव में जाएंगी और फिर ऊपर फिर 0 तक जाएंगी। तो इस तरीके से इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करंट की जो सारी वैल्यूज़ हैं उसको उसका यूज़ किया जाता है। डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग डाटा आर कंटिन्यूस एंड टेक कंटिन्यूस वैल्यू। डिजिटल डाटा हैव डिस्क्रीट स्टेट्स एंड टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से एनालॉग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें कि जो आपके टेलीफोन नेटवर्क हैं जो कि वायर जो मीडियम जो PSTN हम जो यूज़ करते थे उसमें जनरली सिग्नल हमारा किस फॉर्म में ट्रैवल करता था, एनालॉग फॉर्म में ट्रैवल करता था। ठीक है, अभी आजकल तो हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो तो वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स भी एक तरह से जो रेडियो वेव्स हैं एक तरह से वो भी कह सकते हैं, वो भी एनालॉग सिग्नल ही हैं। ठीक है, तो वो हमारे फ़ोन में जो है कन्वर्टर लगे होते हैं जो कि हमारे उस रेडियो जो वेव्स जो सिग्नल हम रिसीव करते हैं टावर से, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल सिग्नल में। वापस जो हमारी जो वॉइस है उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में, फिर डिजिटल से वापस जो है वो जो वॉइस है वो एनालॉग सिग्नल है, वापस वो जो वॉइस है फ़ोन में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं वॉइस को फिर डिजिटल में, डिजिटल से फिर वापस वो रेडियो वेव सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वो वापस वो ट्रांसमिट हो जाता है आपके टावर को। टावर फिर आपस में जो है वायर से कनेक्ट होते हैं तो वापस वो सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके एनालॉग सिग्नल में, और फिर इस तरीके से डिजिटल एनालॉग में कन्वर्जन होता है और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली हम डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ कर रहे हैं या प्योरली हम एनालॉग सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मिक्स है, कहीं पे हमें डिजिटल सिग्नल की ज़रूरत होती है तो कहीं पे हमें एनालॉग सिग्नल की ज़रूरत होती है, लेकिन जितने भी हमारे डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, आपके डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, डिजिटल और बेस बैंड ट्रांसमिशन। नो स्पेशल डिवाइस और कन्वर्जन ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड ओवर बेस बैंड मीडियम। ठीक है, अगर आपका सिग्नल किसी बेस बैंड मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि आपके लैब है, लैब में आपकी इथरनेट केबल्स होती हैं। ठीक है, तो इथरनेट केबल्स में जनरली सिग्नल आपका डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, सिग्नल इज़ अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स विच इज़ ट्रांसमिटेड इन रैपिड सक्सेशन। इसको भी हमने समझ लिया कि इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने जीरो मान लिया कि जीरो, अगर वो करंट जो है जीरो है, जीरो वोल्ट फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब जीरो मान लिया हमने। ठीक है, और अगर करंट जो है
5 वोल्ट ट्रैवल कर रहा है तो हमने उसको मान लिया 1। तो इस तरीके से पैटर्न बनता है डाटा का और वो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस तरीके से आपका काम होता है। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम ये शो कर रहा है डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन कैसे आपस में सेटअप होते हैं, डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन को कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ये मॉडेम है आपका बीच में, ये मॉड्यूलेट कर देता है। ठीक है, आपके एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, फिर डिजिटल सिग्नल आपका यहाँ ट्रैवल करता है सिस्टम तक। वापस सिग्नल अगर आपको अपने कंप्यूटर से डाटा भेजना है तो वापस वो मॉडेम तक जाएगा, मॉडेम से वापस फिर क्या होगा वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर आगे चला जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है बेस बैंड ट्रांसमिशन और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में। डिजिटल सिग्नलिंग, यहाँ पे एनालॉग सिग्नलिंग। ठीक है, ब्रॉडबैंड में हम एनालॉग सिग्नल को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नल को यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, FDM यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक चैनल में आपके कई सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल ट्रैवलिंग। ठीक है, ये क्या है, सिग्नल ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज लॉन्ग। ठीक, इंटायर बैंडविड्थ इज़ फॉर सिंगल सिग्नल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल ओवर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, बहुत सारे सिग्नल आपके एक ही चैनल में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ, इसका एग्जांपल यूज़ ऑफ ट्रांसमिट केबल टीवी टू प्रीमिसेस। ठीक है, इसका एग्जांपल है इथरनेट इज़ यूजिंग बेसबैंड फॉर लैन। ठीक है, जो लैन केबल होती है आपका वो इसका एग्जांपल है बेसबैंड ट्रांसमिशन का। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है आपका टीवी, जो हम हमारे घरों में जो केबल टीवी नेटवर्क आता है जो उसकी वायर है वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब ये देखो डायग्राम से समझा रखा है यहाँ पे, ये आपका ब्रॉडबैंड है, ये बेसबैंड है। ब्रॉडबैंड में क्या है कि मल्टीपल डाटा जो है आपका ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, वॉइस भी चली जाएगी, वीडियो भी जाएगा, डाटा भी चला जाएगा, तो वो साइमल्टेनियसली जा सकता है। ठीक है, लेकिन बेसबैंड में क्या होगा, एक टाइम में एक ही चीज़ ट्रैवल हो सकती है, लेकिन बेसबैंड क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से देखो, ये इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है सिग्नल को। ठीक है, साइन वेव में, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रखा है सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को, इस तरीके 0101 के फॉर्म में। ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन, व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू मल्टीपल वायर्स विद ईच वायर कैरिंग ईच बिट, इट इज़ कॉल्ड अ पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन, व्हेन बिट्स आर सेंट वन आफ्टर अनदर इन अ सीरीज अलोंग अ वायर, इट इज़ कॉल्ड सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, तो पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मल्टीपल वायर्स होती हैं, हर एक वायर से एक बिट आपके ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, डायग्राम में हम देख सकते हैं। और सीरियल कम्युनिकेशन में क्या है कि जो आपकी जो एक ही वायर है आपके पास, और उसी में क्या है, सारी की सारी जो आपकी बिट्स जो हैं या जो डाटा है आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, व्हेन सेंडर एंड रिसीवर सिंक्रोनाइज देयर चेक्स बिफोर ट्रांसमिशन, द सेंडर फर्स्ट सेंड कंट्रोल कैरेक्टर टू द रिसीवर एंड देन सेंड द एक्चुअल डाटा, इज कॉल्ड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ओके, और इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाय अ स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट रेस्पेक्टिवली, नो सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, बहुत सारी जो बिट्स हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं फ्रेम, और वो क्या करता है, सेंडर जो है रिसीवर को भेज देता है। लेकिन इसको भेजने से पहले, फ्रेम को भेजने से पहले क्या क्या भेजता है, ग्रुप ऑफ बिट्स जो है रिसीवर को भेजता है, ताकि उसे पता चल जाए कि एक नया फ्रेम उस तक आने वाला है उन सिंक कैरेक्टर से। ठीक है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हर एक जो बाइट है, ठीक है, हर एक जो करेक्टर है उसके स्टार्ट में एक स्टार्ट बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो सेंडर है रिसीवर को डाटा भेजता है। ओके, ईच करेक्टर इज प्रीसीडेड बाय अ, ईच करेक्टर इज प्रीसीडेड बाय अ स्टार्ट बिट एंड फॉलोड बाय वन और मोर स्टॉप बिट्स। ठीक है, गैप्स और स्पेसेस बिटवीन करेक्टर मे एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेंडर जो है इसमें क्या करता है, रिसीवर को डाटा भेजता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाय स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट रेस्पेक्टिवली।
ओके. नेटवर्क स्विचिंग. अ नेटवर्क इज मेड ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड नोड्स. ओके. देयर कैन बी अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और स्टार टोपोलॉजी बिटवीन पेयर्स ऑफ डिवाइसेस, बट बोथ आर नॉट रिलेवेंट फॉर अ लार्ज नेटवर्क. हेंस वेरियस स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज फॉर टू ट्रांसफर पैकेट्स ऑफ डाटा फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ अ नोड टू अनदर. अ स्विच नेटवर्क इज अ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स कॉल्ड स्विचेस. ठीक है. तो जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि आप एक सेंडर है, एक रिसीवर है. ठीक है. तो सेंडर और रिसीवर, सपोज करो सेंडर इंडिया में है, रिसीवर अमेरिका में है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत सारे जो है नोड्स एग्जिस्ट करेंगे. नोड्स का मतलब हो सकता है आपके सर्वर हो. ठीक है. सर्वर सिस्टम हो. एकदम मैसेज डायरेक्टली तो आपके सेंडर से रिसीवर तक तो पहुँचेगा नहीं, तो वो बहुत सारे नोड्स से होते हुए पहुँचेगा. ठीक है. एक नोड पर जाएगा, फिर दूसरे वहाँ से आगे, फिर वहाँ से आगे. ठीक है. तो इस तरह से आपका जो डाटा है वो फॉरवर्ड होता आपके सोर्स तक पहुँचेगा. ठीक है. तो टेक्निक कौन कौन सी यूज़ होती हैं आपके नेट डाटा को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्या क्या स्विचिंग टेक्निक यूज़ होती हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. द मेन गोल ऑफ नेटवर्किंग इज़ द रिलायबल एक्सचेंज ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन अमंग सेवरल इंटरकनेक्टेड नोड्स. ओके. फॉर द डिलीवरी ऑफ डाटा विद एक्यूरेसी वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज. तो कौन कौन सी स्विचिंग टेक्निक्स हैं हमारे पास? एक सर्किट स्विचिंग है, एक पैकेट स्विचिंग है और एक मैसेज स्विचिंग है. ठीक है. सर्किट स्विचिंग. व्हेन टू नोड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, इट इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग. देयर इज अ नीड ऑफ प्री स्पेसिफाइड रूट फ्रॉम विच डाटा विल ट्रेवल्स, नो अदर डाटा इज परमिटेड. ओके. तो सर्किट स्विच में क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में होता क्या है कि आपका एक पाथ सेटअप हो जाएगा. ठीक है. आपका एक रूट सेटअप हो जाएगा जिसके थ्रू डाटा ने जाना है, ट्रैवल करना है. इन सर्किट स्विचिंग टू ट्रांसफर द डाटा सर्किट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड सो दैट डाटा ट्रांसफर कैन टेक प्लेस. ओके. सर्किट्स कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी. एप्लीकेशन यूज सर्किट स्विचिंग मे हैव टू गो थ्रू दीज फेसेस. एस्टेब्लिश द सर्किट, ट्रांसफर द डाटा एंड डिसकनेक्ट द सर्किट. सपोज करो ये सेंडर है, एक रिसीवर है, इसको डाटा भेजना है. ठीक है. तो पाथ सबसे पहले क्या होगा, एक पाथ सेटअप होगा. ठीक है. तो ये सेंडर ने जो भी डाटा भेजना है वो इसी पाथ से ट्रैवल होके रिसीवर तक पहुंचेगा. ठीक है. तो जनरली सर्किट स्विचिंग कहाँ पे यूज़ होती है? सर्किट स्विचिंग वॉज डिज़ाइन फॉर वॉइस एप्लीकेशन. टेलीफोन इज़ द बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग. बिफोर अ यूज़र कैन मेक अ कॉल, अ वर्चुअल पाथ बिटवीन कॉलर एंड कॉली इज एस्टेब्लिश्ड ओवर द नेटवर्क. ठीक है. तो टेलीफोन, जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो वो कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज़ होती है वहाँ पे? सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज़ होती है. ठीक है. तो वहाँ पर होता क्या है कि एक वर्चुअल पाथ सेटअप हो जाता है कॉलर और कॉली के बीच में. ठीक है. और जब तक वो बात करते हैं तब तक क्या होगा, कनेक्शन बना रहेगा. ठीक है. एक वो पाथ एग्जिस्ट करेगा. हाँ, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो पाथ क्या हो जाएगा, पाथ भी रिमूव हो जाएगा. ठीक है. अगला है आपका मैसेज स्विचिंग. दिस स्विचिंग वॉज समवेयर इन द मिडिल ऑफ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. ठीक है. तो आपके पास क्या है, पहले सर्किट स्विचिंग थी, फिर आपके पास मैसेज स्विचिंग आई. दिस स्विचिंग टेक्निक वॉज समवेयर इन द मिडिल ऑफ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. इन दिस मैसेज स्विचिंग द होल मैसेज इज ट्रीटेड एज ए डाटा यूनिट एंड इज स्विचिंग ट्रांसफर्ड इन इट्स एंटायरली. इसमें होता क्या है कि आपका पूरा मैसेज जो है एक डाटा यूनिट की तरह ट्रीट कर लिया जाता है और उसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, जैसे सेंडर से रिसीवर के पास जाना है तो पूरा का पूरा मैसेज जो है पहले आपके पास से बीच के किसी स्टेशन में ट्रांसफ़र होगा. ठीक है. फिर आगे चेक होगा कि अगर रिसोर्सेज खाली हैं तो वो आगे क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा मैसेज. फिर वो यहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है. इस स्टेशन पे, इस नोड पे स्टोर रहेगा. फिर आगे रिसोर्सेज खाली होंगी तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा मैसेज है, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आपके रिसीवर तक पहुँच जाएगा. लेकिन ये टाइम टेकिंग है काफ़ी. ठीक है. स्विचिंग वर्किंग ऑन मैसेज स्विचिंग. A switch working on message switching first receive the whole message and buffer it until there are resources available to transfer it to next hop. ठीक है. तो मैसेज यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुँच गया. बफर मीन्स
कि ये यहाँ पे फिर आपका पूरा का पूरा मैसेज जो है यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर आगे फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जब रिसोर्सेज उसे खाली मिलेंगे आगे चैनल खाली मिलेंगे तो फिर वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका डाटा है आपके रिसीवर तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इफ़ द नेक्स्ट होप इज़ नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू अकोमोडेट लार्ज साइज मैसेज, द मैसेज स्टोर्ड एंड स्विच वेट्स। ओके, द टेक्निक वॉज कंसिडर्ड सब्स्टिट्यूट सर्किट स्विचिंग, एज इन सर्किट स्विचिंग द होल पाथ इज ब्लॉक्ड फॉर टू एंटिटीज, ओनली मैसेज स्विचिंग इज रिप्लेस्ड बाय पैकेट स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग हैज़ द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो होता क्या है सर्किट स्विचिंग में, क्या होता है पूरा का पूरा पाथ जो है बुक हो गया, ब्लॉक हो गया। अब जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो चैनल जो है आपका, वो पाथ जो है आपका रिजर्व हो गया, वहाँ से आप कोई डाटा जा नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो मैसेज स्विचिंग उसका एक रिप्लेसमेंट आया था कि नहीं कई लोग जो है आपस में डाटा को शेयर कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज स्विच इन ट्रांजिट पाथ नीड इनफ स्टोरेज टू अकोमोडेट एंटायर मैसेज। ठीक है, तो बीच में जो भी आपके स्विचिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं उनमें क्या मेमोरी, इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि वो मैसेज को कम्प्लीटली स्टोर कर सकें। बिकॉज ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक एंड वेट इंक्लूड अंटिल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, मैसेज स्विचिंग इज़ वेरी स्लो। ठीक है, तो इसी के कारण क्या है, स्लो भी है ये। ठीक है, मैसेज स्विचिंग वॉज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रीमिंग मीडिया एंड रियल टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, तो रियल टाइम में जो भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसके लिए क्या ये फिट नहीं है। ठीक है, तो उतनी फास्ट नहीं है तो इसलिए जो है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर है पैकेट स्विचिंग, शॉर्ट कमिंग ऑफ मैसेज स्विचिंग गिव बर्थ टू एन आइडिया ऑफ पैकेट स्विचिंग, द एंटायर मैसेज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल पैकेट्स। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग क्या है, जो कि हम जनरली आज यूज़ करते हैं, उसमें होता क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा जो डाटा है या जो भी मैसेज है, कुछ भी आप डाटा भेज रहे हो, पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। द स्विचिंग इन्फॉर्मेशन इज एडेड इन द हेडर ऑफ द ईच पैकेट एंड ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हर पैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है इट इज़ ईजियर टू इंटरमीडिएट नेटवर्किंग डिवाइसेज टू स्टोर स्मॉल साइज पैकेट एंड दे डू नॉट टेक मच रिसोर्सेज आइदर ऑन कैरियर पाथ और इन इंटरनल मेमोरी ऑफ द मेमोरी ऑफ स्विचेज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सपोज़ करो कि सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेजना है तो पूरा का पूरा मैसेज जो भी डाटा है वो क्या पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हर एक पैकेट इंडिपेंडेंट है, अब वो किसी भी पास से ट्रैवल कर सकता है रिसीवर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कुछ पैकेट इस पास से जाएं, ठीक है, कोई कोई पैकेट इस पास को फॉलो करे, कोई पैकेट इस पास को फॉलो करे, लेकिन रिसीविंग एंड पे होगा क्या, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रीअसेंबल हो जाएंगे। ठीक है, और पूरा आपका जो मैसेज है वो फिर से क्या हो जाएगा, डिज़ाइन फिर से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर एंड पे क्या हो जाएंगे, वो रीअसेंबल हो जाएंगे। ठीक है, रीअरेंज हो जाएंगे और आपका मैसेज जो है रिसीवर को मिल जाएगा। ठीक है, पैकेट स्विचिंग इन्हांस लाइन एफिशिएंसी एज पैकेट फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन बी मल्टीप्लेक्स्ड ओवर द कैरियर। द इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक, द पैकेट स्विचिंग इनेबल्स द यूजर टू डिफरेंशिएट डाटा स्ट्रीम बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज, पैकेट्स आर स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग क्या है, और जो ये भी जो ये पैकेट्स, ठीक है, डिसेंबल होते हैं और रीअसेंबल होते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से आपके पैकेट जो है इंटरनेट में जो ये जो पाथ है उसमें ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये स्लो नहीं होता। इसमें क्या है कि मल्टीपल यूज़र्स, मल्टीपल सेंडर जो है अपना डाटा भेज रहे हैं, बहुत सारे यूज़र जो है अपना डाटा भेज रहे हैं, बहुत सारे जो पर्सन रिसीवर्स हैं वो डाटा को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि डाटा पैकेट्स में है तो इसलिए जो बीच के जो नोट्स हैं उनको भी डाटा को स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होती और आगे फॉरवर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ डाटा कैन ईजली फॉरवर्डेड एंड स्टोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैकेट स्विचिंग काम करती है। ओके,